सत्ता का सुख या सत्ता की उम्मीद पाने का सुख वह आनंद होता है जो अपने सभी सिद्धांतों को ताक पर रखकर केवल और केवल शक्ति का पुजारी बनकर रह जाता है। और अगर बात राजनीति की हो तो सत्ता के गलियारों में ऐसे बहुत से सिद्धांतों की हत्या आए दिन होती रही है। जिन सिद्धांतों पर कभी राजनीतिक पार्टियों का पूरा जन आधार और जन समर्थन हुआ करता था, ऐसा ही एक नज़ारा आज गोरखपुर में देखने को मिला है, जहां साइकिल ने हाथी पर सवार होना या यूं कहें हाथी ने साइकिल पर सवार होना स्वीकार कर लिया है। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहने वाले बसपा और सपा दोनों का आज गोरखपुर में भरत मिलाप हो गया। सपा के उम्मीदवार प्रवीण निषाद का समर्थन बीएसपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर किया है। गोरखपुर लोकसभा उपनिर्वाचन में दो विपरीत ध्रुवों वाली पार्टियों का एक साथ मिल जाना अपने आप में किसी अप्रत्याशित घटना से कम नहीं। दोनों दलों ने बकायदा संयुक्त पत्रकार वार्ता एवं कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सपा प्रत्याशी बसपा के समर्थन रूपी आशीर्वाद लेने के बाद प्रवीण निषाद ने कहा, हम लोग कुछ चर्चा कर ले, उसके बाद आप लोग दोनों बुला लेते हैं। जो हमारे मीडिया साथी हैं बिना आपके सूचना नहीं है। जो हमारे सामने आओ बाहर बोले, साथियों को वहां से नहीं बुलाया गया है। कृपया वो चल करके वहां जो है कुर्सियों पर बैठे करेंगे, आपसे बात किया। उनके संदेश को लेकर के हम लोगों के बीच में आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में जाकर के बहुजन समाज पार्टी को जगाने का काम किए। आज हमारे दूर नहीं चाहती हूँ ताली की गड़गड़ाहट और तेज होनी चाहिए। आपके बीच में बैन कुमारी मायावती जी के दूत बन करके आज गोरखपुर में इतिहास रचने के लिए माननीय कमलनाथ बाबू जी, जो गोरखपुर के सुरेश कुमार गौतम जी आपका भी मंच पर और इसी जिले के रहने वाले और डुमरियागंज में बहुत बहुजन समाज है, हम सभी साथियों का ये करना चाहते हैं इस मंच पर। और आज भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच इस मंच पर उपस्थित है आप सभी लोगों को जानकारी है भैया नीचे इस देश में चलिए बनाइए। आज या बहन तुम्हारी मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके इस देश में व्याप्त विषमता को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। आज या बहन तुम्हारी मायावती जी जिन्होंने अपनी तमाम सुख सुविधा को त्याग करके समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है और यह सीखा है आदरणीय मानवर श्री कांशीराम साहब से, और ये सीखा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से। और आज मैं उनकी तरफ से जो उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि आप जानते हैं कि गोरखपुर में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, गोरखपुर में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में गोरखपुर के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, ऐसे तमाम नेताओं ने, तमाम बैकवर्ड के लीडर, तमाम माइनॉरिटी के लीडर, माननीय आफ्ताब भाई जी मौजूद हैं, माननीय जी एम सिंह जी मौजूद, और तमाम हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से जो यहाँ का सिचुएशन है बताने का काम किया, और आदरणीय हमारे नेता बहुत बेहद रूप से सोचती हैं इस देश से, जो ऐसी ताकतें हैं जो देश और प्रदेश को खोखला करने में लगे हैं उनको खत्म करने के लिए। नंबर एक, ऐसी ताकतों को खत्म करने के लिए। नंबर दो,
जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय श्री कांशीराम साहब ने देश की राजधानी दिल्ली के वोट क्लब पर 6 महीना धरना दिया था। 6 महीना धरना देने का एक मुद्दा था, वो था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस मुद्दे को लेकर के 6 महीना तक माननीय बहन जी ने धरना दिया था और आदरणीय माननीय श्री कांशीराम साहब ने 4500 किलोमीटर साइकिल चलाया था इस देश में जन जागृति के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा पिछड़ों की बात किया है, दलितों की बात किया है, अक्लियतों की बात किया है, बल्कि सर्व समाज की बात किया है। तो ऐसे में गोरखपुर के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़े के बेटे श्री प्रवीण कुमार निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। माननीय बहन जी ने जब देखा कि हमारा पिछड़ा भाई यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और ऐसे मोस्ट बैकवर्ड का भाई चुनाव लड़ रहा है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हीं दो शर्तों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान। सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन और उनके हृदय को, इस विशाल हृदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुजन समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतने विशाल हृदय वाली हमारी जो नेता है बहन जी, उसने गरीब बच्चे के भेजा है, तो माननीय बहन जी को मैं फिर से अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनके विशाल हृदय को धन्यवाद देता हूँ कि हमको आप लोग जिताकर माननीय बहन जी के आशाओं पर, माननीय अखिलेश यादव जी के आशाओं पर खरा उतरने का काम करें। धन्यवाद। अध्यक्ष निषाद पार्टी के भाई डॉक्टर संजय निषाद जी और हमारे प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी, आज एक बहुत बहुत सुखद घड़ी है और सभी पत्रकार मित्रों, एक बहुत सुखद घड़ी है। एक जमाना था जब दलित पिछड़ा गठजोड़ हो गया था, यहाँ तो समर्थन अभी मिला है। एक जमाना था जब दलित पिछड़ा गठजोड़ हुआ था और उस गठजोड़ में उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशीराम। ये नारा लगा था, सचमुच उत्तर प्रदेश की महान जनता ने ये नारा साबित किया था और हमें उम्मीद है, हमारे पास शब्द नहीं है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो फैसला लिया है पिछड़े समाज के एक बेटे के लिए, जो पिछड़े समाज के एक बेटे के लिए, उनको हृदय की गहराइयों से हम लोग धन्यवाद देते हैं, भूल भूल प्रशंसा करते हैं। ये 20 साल के बाद, 22 साल के बाद जो इतने बड़े निर्णय का मान्यवर के न रहने के दौरान जो दूरिया बनी थी, जो स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, आज बहुत सुखद क्षण है और लगता है कि अगर इसी तरह का निर्णय हमारे नेता जो लिए हैं 2019 में, अब भारतीय जनता पार्टी को कई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाली है। हम अपने नेता के साथ साथ आदरणीय यहाँ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के उन नेताओं को, जो माननीय बहन जी को आपकी और जमीन की बातें, जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर चल रहा है वो बातें आप लोगों ने बता करके और दोनों नेताओं में कुछ ऐसी बात बनी कि आज गोरखपुर में जहाँ 30 वर्षों से एक ही व्यक्ति का, एक ही परिवार का परिवारवाद चल रहा है, उस व्यक्ति को आज हराने के लिए हम लोग मजबूत गठबंधन कर लिए हैं। जाति पात ऊंच नीच की जो भाइयां हो वो पाट करके संतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। आप करना है इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं आज एक घरेलू कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण मैं आपके बीच में विलम्ब से आया,
पार्टी कार्यकर्ता है, आप सभी लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में मात्र बहन जी का आदेश चलता है। प्रत्येक कार्यकर्ता छोटे से लेकर के बड़ा कार्यकर्ता बहन जी का जो निर्देश होता है, बहन जी का जो आदेश होता है, उसका अक्षर से पालन करता है। आज एक समय आ गया है जब पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियों का नंगा नाच हो रहा है, तांडव नृत्य हो रहा है। आज इन सांप्रदायिक शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समय की जरूरत को देखते हुए हमारी नेता बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रवीण निषाद जी को जिताने का फैसला किया, समर्थन देने का फैसला किया। हमें कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे जो बहन जी का निर्देश है, बहन जी का आदेश है, निश्चित तौर पर हम सभी कार्यकर्ता मिल करके उसे पूरी तरह से पालन करेंगे और हम लोग पूरी ताकत से प्रयास करेंगे भाई प्रवीण निषाद भारी मतों से जीत करके। हम सभी लोगों का जो आज फैसला एक ऐतिहासिक क्षण है, हम सभी लोग मिल करके निश्चित तौर पर उसे पूरा करने का काम करेंगे। साथियों आज जानते हैं आज गरीब शोषित पीड़ित किसान मजदूर परेशान है, मजदूर मजदूरी के लिए परेशान है, मजदूर की मजदूरी आदि हो गई है। जो आम उपभोक्ता है, जो दवा खरीदने जा रहा है, जो कपड़ा खरीदने जा रहा है, जो बच्चे की किताब कॉपी खरीदने जा रहे हैं, सभी में महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है। ये सरकारें चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये झूठे वादों पे चलने वाली सरकार है। चलिए अभी अभी आपने प्रवीण निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जिस पर वह बसपा के समर्थन के बाद गदगद लग रहे थे, लेकिन सपा की सारी उम्मीदों पर तत्काल मायावती ने शाम होते होते यह कहकर पूरी कवायद पर पलीता लगा दिया कि कोई गठबंधन नहीं हुआ है और यह राज्यसभा की सीट के लिए गिव एंड टेक के फार्मूले पर आधारित सपा को समर्थन मात्र है।